ओ भाई, मगही गाने भी ऐसे शूट होते? वाओ, क्या कमाल लग रहा है देखने में भाई। मगही में तो अच्छे अच्छे गाने बनते हैं ये तो जानते हैं, लेकिन इतना अच्छा शूट, इतना अच्छा वीडियो इस बार कमाल ही हो गया है। ये लोकेशन कहाँ का हो सकता है? ये कहाँ शूट किया गया है? और इसमें हॉस्पिटल दिखाया गया और तमाम चीज दिखाया गया है, कहाँ शूट किया गया है ऐसा गाना भाई? तो इस गाने में पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये गाना कहाँ शूट हुआ है और कैसे शूट हुआ है, और ये गाना का स्टोरी भी बताएंगे, क्या कुछ कहानी है इस गाने में, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं संतोष यादव और आप देख रहे हैं ट्रेंड न्यूज़ में। दरअसल ये गाना लग रहा है कि मुंबई में शूट हुआ है। जी भाई, लग रहा है मुंबई जैसे शहरों में शूट हुआ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। और ये गाना का कहानी पहले जानने का प्रयास कीजिए। ये गाना का कहानी देखिए, दरअसल ये गाना का कहानी है कि लड़का लड़की आजकल जान मतलब प्यार वो मोहब्बत होता ही है आजकल, तो प्यार मोहब्बत की बात है। तो लड़का जो है देख लेती है अपने गर्लफ्रेंड को दूसरे के साथ। जी हाँ, देखिए यहाँ पे देख रहा है आइसक्रीम खाते हुए दूसरे के साथ, और वीडियो बना, तो वीडियो बना लिया और देख लिया, तो उनको हार्ट अटैक आ गया। जी हाँ, हार्ट अटैक आ गया। तो वो बोल रहा है डॉक्टर से, डॉक्टर से बोल रहा है कि डॉक्टर साहब, हाँ, मेरा दिल को हटाइए और पत्थर को लगाइए। जी हाँ, लिरिक्स के माध्यम से सुनिए। जी हाँ, लिरिक्स में यही बोल रहा है कि अब दिल को हटाइए और पत्थर को। वीडियो का जो मतलब शूट किया गया प्रॉपर, मतलब अच्छे चीजों को, मतलब जिस तरीके का कहानी है, कहानी बेस्ट वीडियो है, मतलब लिरिक्स बेस्ट वीडियो है कहा जा सकता है इस तरीके से, कि स्टोरी बेस्ट वीडियो है। जैसे जिस तरीके से जहाँ जहाँ लव स्टोरी का सीन दिखाना चाहिए था, वहां पे रोमांटिक सीन दिखाया गया। जिस तरीके से देख रहे हैं आप नाव में, तो मतलब किस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये पटना का सीन है भाई, पटना में दीघा घाट का ही सीन है और मुंबई और सब का सीन नहीं है, ये पटना का ही सीन है। और अब बात करते, देखिए हॉस्पिटल में, प्रॉपर हॉस्पिटल में देख रहे हैं, और प्रॉपर ये सर्जन है भाई, ये डॉक्टर जो देख रहे हैं ये ओरिजिनल डॉक्टर है। आप लोग बोलिएगा पगला गया, ये नहीं ओरिजिनल डॉक्टर, ये पटना के जो है नामी हॉस्पिटल है मैक्सो हॉस्पिटल, वहीं के डॉक्टर है ये, और जो कि ये ओरिजिनल डॉक्टर है, डॉक्टर पवन है और मतलब उनके साथी हैं, वो ओरिजिनल डॉक्टर है। और मतलब वहां का ओरिजिनल हॉस्पिटल का सीन है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से किया गया है। हालांकि मतलब बाकी बात सब मतलब बनावटी है बाकी, लेकिन ये सब चीज जो है दिखाया गया प्रॉपर और बेहतर तरीके से दिखाया गया है, आप लोग देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे उनको हार्ट अटैक आती है, और यहाँ पे देखिए लेके जा रहा है उनको हॉस्पिटल, थोड़ा सा देखिएगा। जी हाँ, देखिए हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है, और हॉस्पिटल लेके जाता है और बोलता है कि दिल को हटाइए मेरे सीने से और पत्थर को लगाइए, वही लिरिक्स के माध्यम से कहते हैं। इसके लिरिक्स की क्वालिटी के बारे में, तो क्वालिटी भाई तमाम गाने के जैसे आते हैं सेट्स उनका, उसी तरीके का गाना है ये, थोड़ा शूट इसको बेहतर तरीके से कर दिया गया, बाकी बात यही बात है। और शूट अच्छा से किया गया, बाकी बात इनसे बेहतर बेहतर गाने आए हैं। आशीष यादव के लिरिक्स की बात कर लिया जाए, तो लिरिक्स के किस्मत की खेला की बात कर लिया जाए, या फिर तमाम अच्छे अच्छे गाने लिरिक्स के माध्यम में आए हैं, तो लिरिक्स इनका भी मतलब उसी तरीके का है, अच्छा है लिरिक्स। और अब बात करते हैं ये लिरिक्स लिखने का काम कौन किया, चिंटू राजा तमाम गाने लिखते हैं, वही चिंटू राजा ने इस गाने को लिखा है, म्यूजिक टिंकू तूफान का है। बाकी बात ये सब वीडियो देख के थोड़ा सा बदलाव को देखकर कैसा लगा? आशीष यादव को पुत्र भी हुआ है, तो आप लोग क्या बधाई दीजिएगा, कॉमेंट में बधाई दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।